यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो यह वीडियो आपके इंग्लिश स्पोकन में हेल्पफुल सिद्ध होगा। हे गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप बड़े से बड़े हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहला सेंटेंस है, चूंकि वह गरीब था इसीलिए वह कठिन परिश्रम करना चाहता था। चूंकि के लिए आप सिंस प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, वह गरीब था, सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ही वाज पुअर। अब इसीलिए के लिए आप सो प्रयोग कर सकते हैं, देयर फॉर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं सो प्रयोग कर लेता हूं। अब क्या बचा, वह कठिन परिश्रम करना चाहता था। सबसे पहली बात, क्रिया के अंत में क्या है, आ था, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से होगा। लेकिन चूंकि इस सेंटेंस में दो दो क्रिया है, अर्थात दो दो वर्ब है, पहला वर्ब है चाहना और दूसरा वर्ब है परिश्रम करना। ठीक है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आता होगा, या फिर मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस जो मेन वर्ब है, ठीक है, उसका दूसरा फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का तात्पर्य है टू प्लस भी वन। ठीक है, इन्फिनिटिव का तात्पर्य हो गया टू प्लस भी वन, अर्थात पहले आप सब्जेक्ट लिख लेंगे वह ही। अब इस सेंटेंस में पहले आप पहचानो कि मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है चाहना, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब का आप दूसरा फॉर्म प्रयोग करेंगे, ठीक है, वॉन्टेड। अब जो दूसरी क्रिया है, जो दूसरा वर्ब है, उसका आप फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको टू प्रयोग करना है। ठीक है, टू वर्क हार्ड। चूंकि वह गरीब था इसीलिए वह कठिन परिश्रम करना चाहता था। सिंस ही वॉज पुअर सो ही वॉन्टेड टू वर्क हार्ड। अब यहां पर एक चीज आप समझ लो, यदि आप सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने के उद्देश्य से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, बट यदि आप इस सेंटेंस को अपने बोलचाल में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सो मत करना। ठीक है, नहीं तो सुनने में थोड़ा सा भद्दा लगेगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बोलना है, सिंस ही वॉज पुअर ही वॉन्टेड टू वर्क हार्ड। ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, अचानक वर्षा होने लगी। तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, है ना। अब यहां पर आप देखो क्रिया के अंत में क्या है, रहा था, अर्थात सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से बनेगा। ठीक है, अब यहां पर भी देखो आप, दो दो क्रिया है, पहला है कोशिश करना और दूसरा है सिर्फ करना। ठीक है, तो जैसा कि आपको नियम पता होगा, जो मेन वर्ब रहेगा, ठीक है, कोशिश करना, इसका हम चौथा वर्ब प्रयोग कर लेंगे और जो दूसरी क्रिया है उसे हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहां पर है मैं, आई। अब यहां पर एक चीज और आप समझ लो, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, यहां पर कुछ करने की, ठीक है, इसे आप छोड़ दो, पहले आप इतना ट्रांसलेट करो, मैं कोशिश कर रहा था, क्या बनेगा, आई वाज ट्राइंग। ठीक है, अब दूसरी क्रिया क्या है, सिर्फ करना, टू डू, टू डू, कुछ कुछ के लिए आप समथिंग प्रयोग कर लेंगे। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग। ठीक है, अचानक, अचानक के लिए आप सडनली प्रयोग कर लेंगे। वर्षा होने लगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहां पर भी एक चीज आप समझ लो, मैंने रेनिंग अर्थात जिरंड प्रयोग किया। ठीक है, आप रेनिंग के स्थान पर टू रेन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इन्फिनिटिव प्रयोग करेंगे अर्थात टू प्लस भी वर्ब, ठीक है, या फिर आप भर का चौथा फॉर्म अर्थात आप जिरंड की तरह प्रयोग करेंगे। ठीक है, अचानक वर्षा होने लगी, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, या फिर आप बना सकते हैं सडनली इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, मैं अपने काम में व्यस्त था, उसी दौरान वो मेरे पास आया और मुझे परेशान करने लगा। देखो सुनने में यह सेंटेंस बहुत बड़ा है, किंतु इसे आप आसान भाषा में और बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, मैं अपने काम में व्यस्त था। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, अपने काम में यदि आप इसे छोड़ दो तो क्या बचा, मैं व्यस्त था, सिंपल पास्ट टेंस है, आई वाज बिजी। तो पहले इतना ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, आई वाज बिजी, ठीक है। अब क्या बचा, अपने काम में विथ माय वर्क, मैं अपने काम में व्यस्त था, आई वाज बिजी विथ माय वर्क, ठीक है। उसी दौरान, देखो उसी दौरान, इसके लिए आप व्हाइल भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि आप मीन व्हाइल प्रयोग करेंगे तो सुनने में भी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मीन व्हाइल, वो मेरे पास आया, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो मेरे पास आया, ही केम टू मी, ही केम टू मी, अब क्या है, और एंड मुझे परेशान करने लगा, यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। स्टार्टेड हैरेसिंग मी, देखो मैं अपने काम में व्यस्त था, उसी दौरान वो मेरे पास आया और मुझे परेशान करने लगा, आई वॉज बिजी विथ माई वर्क, मीन वाइल ही केम टू मी एंड स्टार्टेड हैरेसिंग मी, ठीक है। वह मुझे देखकर हंस रहा था, तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, वह मुझे देखकर हंस रहा था, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे, जब मैंने उससे पूछा, ठीक है, क्या बात है, तो उसने जवाब नहीं दिया, तो पहले आपको ट्रांसलेट करना है, वह मुझे देखकर हंस रहा था, ठीक है। तो मुझे देखकर ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, वह हंस रहा था, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है। तो वह हंस रहा था, पहले आपको इतना ट्रांसलेट करना है, ही वाज लाफिंग, ठीक है। अब मुझे देखकर, ये अदर वर्ड है, ठीक है, एट मी, वह मुझे देखकर हंस रहा था, ही वाज लाफिंग एट मी, इतना ट्रांसलेट हो गया। अब क्या है, जब मैंने उसे पूछा, ठीक है, देखो जब मैंने उससे पूछा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और सेंटेंस कितना है, जब मैंने उससे पूछा, व्हेन आई आस्क्ड टू हिम, क्या बात है, देखो व्हाट्स द मैटर, अर्थात व्हाट इज द मैटर को आप व्हाट प्लस इज को व्हाट्स द मैटर इस तरह से आप बोल सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्स द मैटर, तो उसने जवाब नहीं दिया, ही डिडंट एंसर। यहां पर एक चीज आप समझ लो, वह मुझे देखकर हंस रहा था, जब मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो उसने जवाब नहीं दिया, इस सेंटेंस में ये जो ट्रांसलेट मैंने किया है, ठीक है, कि he was laughing at me when I asked to him what's the matter, he didn't answer, ठीक है, ये ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है, किंतु जब इसी सेंटेंस को आप बोलचाल में प्रयोग करेंगे, तो यहां पर जो मैंने प्रयोग किया है आई आस्क्ड टू हिम, तो आप टू मत बोलना, ठीक है, आपको सिर्फ इतना बोलना है, He was laughing at me when I asked him what's the matter. He didn't answer. ठीक है? आज पहली बार मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मुझे भी सरकारी नौकरी मिल गई। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करना है, आज पहली बार, ठीक है, Today, for the first time. आज पहली बार, टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं इतना खुश हूं, आई एम सो ग्लैड, क्योंकि बिकाउज मुझे भी सरकारी नौकरी मिल गई। देखो गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से आप ट्रांसलेट कर लेंगे, मुझे भी सरकारी नौकरी मिल गई, आई आल्सो got the
गवर्नमेंट जॉब। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सो ग्लैड बिकॉज आई आल्सो गॉट द गवर्नमेंट जॉब। मैंने बहुत प्रयास किया किंतु वह मानने को तैयार नहीं था। तो पहले आप ट्रांसलेट करेंगे मैंने बहुत प्रयास किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो बहुत को आप छोड़ दो तो क्या बचा, मैंने प्रयास किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म आई ट्राइड, ठीक है, मैंने प्रयास किया। अब बहुत के लिए आप ए लॉट प्रयोग कर सकते हैं, मैंने बहुत प्रयास किया आई ट्राइड ए लॉट किंतु बट वह मानने को तैयार नहीं था। अब इस सेंटेंस में यहां पर आप देखो मानने को इसे आप छोड़ दो, तब क्या बचा, वह तैयार नहीं था, ही वाजंट रेडी, इतना आप कर सकते हैं। तो पहले आपको ट्रांसलेट करना है वह तैयार नहीं था, ही वाजंट रेडी। अब यहां पर क्या है, मानने को, ठीक है, टू एक्सेप्ट, मैंने बहुत प्रयास किया किंतु वह मानने को तैयार नहीं था। आई ट्राइड ए लॉट बट ही वाजंट रेडी टू एक्सेप्ट।